नमस्कार, जय श्री श्याम। आप देख रहे हैं एसटीएन सुजता। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सुजानगढ़ के भुजलाई वास्तित श्याम बाबा मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर बाबा श्याम की मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रहा है। बाबा श्याम 56 वर्षों से मंदिर में विराजमान थे। मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और बाबा श्याम की नई मूर्ति की स्थापना यहाँ पर आज 21 तारीख को हो रही है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर दिव्य शोभा यात्रा 1100 ध्वजा यात्रा का आयोजन किया गया है। रात्रि में जागरण का आयोजन किया गया है। 12:21 पर बाबा श्याम की मूर्ति की स्थापना ठीक पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं जो नया बना है उसमें की जा रही है। आइए भोजलाईवास स्थित श्याम जी के मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत आयोजित दिव्य शोभा यात्रा का अवलोकन करते हैं। श्याम बाबा का दिव्य स्वरूप आप देख रहे हैं। बाबा आज इस सुंदर मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। मंदिर को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया है आप देख रहे हैं। 56 वर्षों से बाबा इस स्वरूप में मंदिर में विराजमान थे। मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ है और बाबा श्याम की दिव्य नई मूर्ति की स्थापना आज होने वाली है। सब सिद्धेश्वर महादेव की कृपा है, क्योंकि पिछले लगभग 5 वर्षों से लगातार बाबा भोलेनाथ की पूजा यहाँ पर सिद्धेश्वर महादेव की पूजा हर सोमवार को और श्रावण में 1 महीने की होती है। और शिवालय का भी जीर्णोद्धार किया गया है, नया रूप प्रदान किया गया है। ये नवनिर्मित श्याम मंदिर 56 वर्ष पुराना मंदिर है, जिसका जीर्णोद्धार करके नया रूप प्रदान किया गया है। सुजानगढ़ भोजलाईवास स्थित श्याम जी के मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है और बाबा श्याम की नई मूर्ति की प्रतिष्ठा समारोह का कार्यक्रम हो रहा है। आज 21 तारीख है, अभी कुछ ही देर के बाद में यहां पर भव्य शोभा यात्रा निकलने वाली है, ध्वजा यात्रा निकलने वाली है। दोपहर में 12:21 पर बाबा श्याम की मूर्ति, बालाजी महाराज की मूर्ति और भगवान शिव की मूर्ति की प्रतिष्ठा होने वाली है और रात्रि में जागरण का आयोजन किया जाएगा। आपने देखा रात्रि में पूरा मंदिर बिजली की सजावट में दमक रहा था। बहुत सुंदर चेतन दादी इसके द्वारा भजनों की प्रस्तुतियाँ दी गई और आज भी एक दिव्य भजन संध्या होने वाली है। फिलहाल यहाँ पर कुछ ही देर में शोभा यात्रा निकलने वाली है, जिसमें बाबा श्याम की ध्वजाएँ लेकर जो भक्त हैं वो पूरे नगर में भ्रमण करेंगे और भगवान श्याम बाबा की मूर्ति, भगवान शिव और बालाजी महाराज गाड़ी में विराजमान होकर पूरे नगर का भ्रमण करेंगे, भक्तों को आशीर्वाद देंगे। आइए शोभा यात्रा का अवलोकन करते हैं। आप देख रहे हैं भक्तों ने ध्वजाएं धारण कर ली हैं और कुछ ही देर में ध्वजा यात्रा यहाँ से रवाना होने वाली है। कानपुर जी महाराज पधार चुके हैं और कुछ ही देर में विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज भी पधारने वाले हैं और भक्तगण तैयारी यहाँ को अंतिम रूप दे रहे हैं। गाड़ी सजाई जा रही है, जिसमें मूर्तियाँ विराजमान होगी, नगर भ्रमण करेगी। श्याम जी के मंदिर का नज़ारा आप देख रहे हैं सुजानगढ़ भोजलाईवास में। सुजानगढ़ के भोजलाईवास स्थित श्याम जी के मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा 56 वर्ष पुराना मंदिर है, जो जोशी परिवार के द्वारा निर्मित है और इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, मंदिर को नया रूप प्रदान किया गया है। वहीं बाबा श्याम की जो मूर्ति 56 वर्षों से स्थापित थी, उस मूर्ति के अलावा एक और दिव्य मूर्ति बाबा श्याम की यहाँ पर विराजमान की जा रही है, जो आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर और दिव्य मूर्ति है, जिसकी स्थापना आज 12:21 पर होने वाली है। इससे पहले बाबा श्याम एक बैलगाड़ी में विराजमान होकर बालाजी और शिवजी के साथ पूरे नगर का भ्रमण करेंगे, भक्तों को दर्शन देंगे, भक्तों को आशीर्वाद देंगे। उसके बाद में बाबा की मूर्ति की स्थापना, जो पीछे मंदिर जो फूलों से सजाया उसमें बाबा विराजमान होंगे, भगवान बालाजी और शिव विराजमान होंगे। वैसे यहाँ पर बाबा का शिवालय सिद्धेश्वर महादेव का पहले बन चुका है, जिसका प्रत्येक सोमवार को अभिषेक किया जाता है, श्रावण में 1 महीने की पूजा भी की जाती है और उसी की कृपा है कि बाबा का मंदिर इतना सुंदर बना है और बाबा इतने दिव्य रूप में यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। अब यहाँ से ध्वजा यात्रा रवाना होने वाली है, जिसका हम अवलोकन करेंगे। बहुत ही सुंदर दिव्य शिवालय है, जहाँ पर नित्य भक्त भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। मंदिर के ठीक बगल में श्याम बाबा के मंदिर के पास में गोपीनाथ जी का मंदिर है। 1100 ध्वजाएं आप देख रहे हैं, जो भक्तों को वितरित की जा रही है। भक्त ध्वजा यात्रा के लिए सज धज कर तैयार हो चुके हैं और कुछ ही देर में ध्वजा यात्रा यहाँ से रवाना होने वाली है और सभी जय श्री श्याम कर रहे हैं। और बाबा की मूर्ति मंदिर के बाहर आ रही है। बाबा बैलगाड़ी में विराजमान हो गए हैं।
विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी वैश्वानंदपुरी जी महाराज पधार चुके हैं और कानपुर जी महाराज उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वामी वैश्वानंदपुरी जी महाराज का पावन आगमन हुआ है। पवन जी जोशी स्वामी वैश्वानंदपुरी जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं पधारने पर पुष्पहार पहनाव का। संजय जोशी कानपुर जी का स्वागत कर रहे हैं। श्याम बाबा मंदिर पांचवा समारोह में विश्व गुरु जगत गुरु स्वामी वैश्वानंदपुरी जी महाराज का आगमन हुआ है। साधु जी का सम्मान हो रहा है। बाबूलाल जी जोशी पूजन कर रहे हैं, चरण पादुकाओं का पूजन कर रहे हैं। बता रहे हैं हमें जहाँ भी जाते हैं विदेशी शिष्य भी उनके साथ चलते हैं। पुलिस ने भी बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई है यहाँ पर। स्वामी जी मंदिर का अवलोकन कर रहे हैं। स्वामी जी के साथ उनके विदेशी शिष्य भी यहाँ पर बता रहे हैं। सुजानगढ़ भोजलाई वास्तित श्याम मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं। 56 वर्षों के बाद मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है और मंदिर में बाबा श्याम की दिव्य नई मूर्ति की स्थापना हो रही है। इस अवसर पर पूरी दुनिया में भारत की संस्कृति का, भारत के धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले, ध्वज पताका लहराने वाले महामंडलेश्वर विश्व गुरु स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज का पावन आगमन हुआ है। स्वामी जी जहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर जाने में बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि संत महात्मा, मंदिर हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है और इसी के बल पर हमारा धर्म टिका हुआ है। और आपने योग के माध्यम से लगभग 160 से ज़्यादा देशों में भारत के योग को पहुँचाया है और करोड़ों शिष्य, विदेशी शिष्य महाराज जी के हैं जो हमारी संस्कृति के प्रति प्रेम रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं। और आज श्याम बाबा मंदिर के इस मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह में स्वामी जी का आगमन निश्चित रूप से हम सबके लिए गौरव की बात है। स्वामी जी रथ में विराजमान हो गए हैं। जुलूस शोभा यात्रा सांड चौक से होकर निकल रही है। बाबा श्याम की ध्वजाएं लहरा रही है, आप देख रहे हैं शोभा यात्रा में। बाबा श्याम के ध्वजाएं ले भक्तों को आप देख रहे हैं। सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। छांड चौक बाबा श्याम मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह की ध्वजा यात्रा शोभा यात्रा का नजर है। गाड़ी में आप देख रहे हैं बाबा श्याम की मूर्ति विराजमान है। देख रहे हैं विदेशी लोग
की शोभा यात्रा में शामिल हैं। और ये रथ आप देख रहे हैं जिसमें स्वामी जी विश्वानंदपुरी जी महाराज और कानपुर जी महाराज विराजमान हैं। शोभा यात्रा RDS पब्लिक स्कूल के सामने पहुंच रही है। बाबा श्याम नगर भ्रमण कर रहे हैं और साथ में बालाजी और शंकर भगवान की मूर्तियां। शोभा यात्रा का दिशा देख रहे हैं बोधदेव बाबा श्याम मंदिर मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह में। शोभा यात्रा ध्वजा यात्रा वेंकटेश्वर मंदिर के सामने पहुंच रही है। बाबा श्याम बालाजी और भगवान शिव नगर भ्रमण कर रहे हैं मूर्तियों के साथ। जगह जगह पुष्प वर्षा की जा रही है। वेंकटेश्वर मंदिर के सामने शोभा यात्रा पहुंच रही है। विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी विरसनंदपुर जी महाराज का सानिध्य शोभा यात्रा को मिल रहा है। विदेशी लोग भी शामिल हैं शोभा यात्रा में। बाईपास रोड का दृश्य आप देख रहे हैं। नरियाबास फाटक के पास से नज़र आपको दिखा रहे हैं। भव्य शोभा यात्रा बाबा श्याम की ध्वजाएं लिए हुए भक्तों को आप देख रहे हैं। बोधलाईबास स्थित श्याम मंदिर जिसका जीर्णोद्धार हुआ है मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह की शोभा यात्रा देख रहे हैं आप। सरदार भक्ति का सुंदर नजारा आप देख रहे हैं। भक्ति की गंगा बह रही आप देख रहे हैं। बाबा श्याम की ध्वजा लिए भक्त
बैलगढ़ी में भगवान श्याम विराजमान है। बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा आप देख रहे हैं। पीछे रथ चल रहा है जिसमें स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज विराजमान है। शोभा यात्रा सिद्धि गणेश मंदिर स्टेडियम के सामने पहुंच रही है। श्याम बाबा मंदिर मूर्ति पांचता समारोह की शोभा यात्रा ही है। इस रथ पे बाबा विराजमान हैं। श्याम बाबा की शोभा यात्रा घंटाघर पहुंच रही है। घंटाघर के पास शोभा यात्रा पहुंच चुकी है। घंटाघर के पास शोभा यात्रा पहुंच चुकी है।
ट्रैफिक की व्यवस्था कायम की जा रही है शोभा यात्रा के लिए। शोभा यात्रा स्टेशन रोड पर चल रही है राजकीय बिगड़िया चिकित्सालय के सामने से निकलते हुए। भोजलाईबाद स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हो रहा है जोशी परिवार द्वारा। भव्य शोभा यात्रा जिसमें सैकड़ों लोग बाबा श्याम की पीत ध्वजाएं लेकर चल रहे हैं। भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, पूरा सुजानगढ़ केसरिया हो रहा। बाबा श्याम, हनुमान जी महाराज और भगवान शिव की मूर्तियां विराजमान हैं। और पीछे रथ में स्वामी महेश्वरानंदपुर जी महाराज और कानपुर जी महाराज विराजमान हैं। शोभा यात्रा पूरे नगर में भ्रमण करने के बाद में श्याम बाबा मंदिर पुनः पहुंच चुकी है। श्याम मंदिर से रवाना होकर सांड चौक, वेंकटेश्वर मंदिर, गणेश जी मंदिर, गांधी चौक, घंटाघर और जाट मंदिर होते हुए अब पुनः शोभा यात्रा पहुंच रही है। आपने देखा रथ में स्वामी महेश्वरानपुरी जी, कानपुर जी महाराज विराजमान है। बैलगाड़ी में भगवान श्याम बाबा की मूर्ति, बालाजी शिव की मूर्ति विराजमान है। महिलाओं ने मंगल पीली ध्वजाएँ धारण कर रखी है और आप देख रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ पूरे नगर में भ्रमण करने के बाद शोभा यात्रा पुनः बाबा श्याम जी के मंदिर पहुंच रही है, जहां पर अभी 12:21 पर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। जाट मंदिर के ठीक सामने शोभा यात्रा पहुंच गई है। घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं।
श्याम बाबा मंदिर के पास पहुंच रही है शोभा यात्रा। देख रहे हैं माँ मंडलेश्वर स्वामी मेहसरानपुरी जी महाराज कानपुरी जी महाराज विराजमान हैं और तमाम भक्त आप देख रहे हैं शोभा यात्रा के साथ चल रहे हैं। समाज सेवी विनोद जी कोठड़िया और बच्चन जी कोठड़िया को भी आप देख रहे हैं शोभा यात्रा में शामिल हैं। यात्रा श्याम जी के मंदिर पहुंच गई है। श्याम बाबा मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं जहां पर शोभा यात्रा पहुंच गई है। पूरे नगर में भ्रमण करने के बाद में बाबा श्याम के भक्त श्रद्धाएं लेकर श्याम जी के मंदिर पहुंच चुके हैं। पूरे नगर में बाबा श्याम ने दर्शन दिए हैं। अब 12 बजकर 21 मिनट होने वाले हैं, बाबा श्याम की मूर्ति आपको प्रदर्शित होगी। प्राचीन जो मूर्ति है उस स्थान पर एक विशेष स्थान बनाया गया है और आपने देखा किस श्रद्धा के साथ भक्तों ने झूमते नाचे बाबा श्याम की शोभा यात्रा में भाग लिया। पूरे नगर में घूमकर बाबा श्याम अपने मंदिर में पहुँच चुके हैं जहाँ पर मूर्ति की स्थापना होने वाली है। नगर भ्रमण के बाद बाबा श्याम मंदिर पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं भगवान शिव हनुमान जी और श्याम बाबा की मूर्तियां मंदिर में प्रवेश करेगी। मूर्तियां मंदिर में आ रही है। अब बहुत ही सुंदर दृश्य श्याम बाबा मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं।
तीन मूर्ति इस स्थान पे विराजमान थे। मूर्ति विराजमान हो चुकी है मंदिर में, नीचे जो स्थान है वहां पर, और अब यहां पर बाबा श्याम की मूर्ति स्थापित होगी। प्राचीन मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया गया है। बाकी प्राचीन मूर्ति जो 56 वर्षों से विराजमान थी, मंदिर में विराजमान कर दिया है बाबा को, और यहां पर अब नई मूर्ति स्थापित होगी। नगर भ्रमण के बाद बाबा मंदिर में आ रहे हैं। मंदिर में ले जाया जा रहा है। ठीक पीछे आप देख रहे हैं नव निर्मित बाबा श्याम जी का मंदिर। मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, 56 वर्ष पुराना मंदिर है, और अब यहाँ पर बाबा श्याम के नए मंदिर में नए स्वरूप में बाबा विराजमान होने वाले हैं। प्राचीन मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है, और अब जो नई मूर्ति है उसकी प्रतिष्ठा का समारोह शुरू हो चुका है, और ठीक 12:21 पर बाबा श्याम को मंदिर में विराजमान किया जाएगा। बाबा नगर भ्रमण करने के बाद में मंदिर पहुंच चुके हैं, अब बाबा श्याम मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। परिवार के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया है। श्रीमती यशोदा देवी जी जो सीताराम जी जोशी की धर्मपत्नी हैं, और आप यशोदा देवी जी हैं जो कि सुरजमत जी जोशी की धर्मपत्नी जी हैं, और बाबा श्याम की बहुत बड़ी कृपा है जोशी परिवार पर, जिन्होंने इतना सुंदर मंदिर 56 वर्ष पूर्व बनाया था, जिसका आप जीर्णोद्धार करवाकर इसको और ज़्यादा सुंदर बना दिया गया है। और करबद्ध परिवार को आप देख रहे हैं, परमा देवी जी जो कि केसरी चंद जी की धर्मपत्नी हैं, सबसे बड़े भाई थे रामेश्वर जी जोशी जिनकी धर्मपत्नी कमला जी, जिनका भी बहुत बड़ा योगदान है जीर्णोद्धार कार्यक्रम में। बाबा की मूर्ति मंदिर में जा रही है। कर दी गई है, बहुत बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में विराजमान है। विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी जी, गुरु जी स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज, जो देश में नहीं अनेक देशों में विदेशों में भी अपने योग के बल से और अपने अध्यात्म के बल से धर्म की ध्वजा, धर्म पताका पूरे विश्व में फहरा रहे हैं, ऐसे महापुरुष जिनका आज हमें हम और आप सभी को सानिध्य प्राप्त हो रहा है, ये बहुत बड़ी अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। और आपका इतना सरल स्वभाव और मेरे ऊपर विशेष कृपा शुरू से ही है। मैं सिर्फ छोटा सा आप पधारिया इस वास्ते मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं अपने आप में कृतार्थ करने के वास्ते प्रयास कर सकता के भाई मैं कोई फर्ज पर उतार सा आपको, लेकिन आप जगह जगह आदेश माने करो, जो भी उपदेश दे हो वहां पर मैं चालने को पूरा प्रयास करा, और जुड़ेटा हो श्याम बाबू बहुत ही दिव्य मूर्ति बाबा की आप देख रहे हैं, प्रतिष्ठा होने वाली है महाराज जी के वास्ते और शिव जी की मूर्तियों की। अभिषेकों का भगवान का देख रहे हैं, कलश प्रतिष्ठा हो रही है। मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है। मन ओम वचन अस्त्राय फट मंदिर में प्रतिष्ठा हो रही है। यंग रंग पवन जी जोशी संग संग प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, पूजा करके राम जी जोशी के पुत्र पवन जी जोशी यजमान के रूप में प्रतिष्ठा में भाग ले रहे हैं। मंदिर के अंदर का दृश्य आप देख रहे हैं। ओम आं ह्रीं क्रों यंग यज्ञ पूर्णावति हो रही है। संकल्प है स्वामी महेश्वरानंद जी
और कानपुर जी महाराज के सानिध्य में यज्ञ पूर्णावती हो रही है। प्रमुख यजमान पवन जी जोशी सहपति पूर्णावती का संकल्प कर रहे हैं। श्यामदेव नूतन नूतन प्रासादी नूतन प्रतिमाया प्रतिमाया स्थापन कर्मण है सांगता सिद्धेरथम वशोधारा समन्वित श्रृंगात्रयो यज्ञ पूर्णावती हो चुकी है। दक्षिण बाहुमूले यज्ञ की भस्म धारण की जा रही है। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं मुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मां ददात्। ॐ कृष्णस्वरूपाय श्यामदेवाय नमः सुगन्धितैलं समर्पयामि हनुमते नमः। शाम्ब सदाशिवाय नमः सुगन्धितैलं समर्पयामि नानाविध परिमल द्रव्याणि अनेक प्रकार का परिमल द्रव्य जला दो। ॐ धूपम अगरबत्ती या धूप दिखा दो। ओम धूरजि धूर्व धूर्वंतम धूर्वतम योष्मान धूर्वनितम धूर्वयम वयम धूर्वामह देवान मुख प्रक्षालन। बाबा की मूर्ति प्रतिष्ठा हो रही है और सानिध्य प्रदान कर रहे हैं स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज। सोम प्रजितां वरुणावरुण अगर न्यास कर रहे हैं स्वामी जी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज कानपुर जी महाराज मंदिर में मौजूद है। अनेक प्रकार का फल रख दो सामने उपलब्ध है जगह रख दिया और क्या फल एक एक मान चला दिया फला है उस फल जल जब उसमें ने यह फल ही मधुर धारण लोग उत्तर नमः सर फिर फलांते आज मने यम जलम समर बयामी फिर यम लोग और यम लोग मिलाके तापोल को मूर्ति प्रतिष्ठा हो चुकी है। बाबा श्याम हनुमान जी महाराज और भगवान शिव विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानपुर जी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है और साथ में कानपुर जी महाराज सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। हो रही है बाबा की आरती हो रही है।
हाथ जोड़ करके श्याम बाबा की जो ये मूर्ति है, भगवान श्याम बाबा स्वयं विराजमान है, आप श्याम बाबा की ये दिव्य शक्ति जो है आप देखिए, दोनों हाथ जोड़ करके उधर देखिए। ए बेटा तू बैठ जा, आप हाथ जोड़ करके उधर भगवान श्याम की तरफ देखिए। ओ आप भी साथ साथ ओम का करिए। ओ अनंत ब्राह्मण के रचयिता, सृष्टि की पालन करता, घट घट में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा को शत शत नमन। आराध्य गुरुदेव के शुभ चरण कमला में कौटि कौटि साष्टांग धन्यवाद एवं श्याम बाबा के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत सहित हम प्रणाम करते हैं। सज्जनों, इस पुण्य सुजानगढ़ शहर, इसके अंदर आज भगवान शिव और ब्रह्मा विष्णु, भगवान कृष्ण के साथ ही साथ श्याम भगवान हमारे यहीं पर थे। कुछ समय के लिए वो उस ब्राह्मण में चले गए थे और उनको तो ऐसा जैसा लगता है कि वो एक उस समाधि में चले गए और हम लोगों ने क्या कर दिया कि वहाँ से भगवान को
उठा करके वहां विराजमान करा दिया। और जब वो समाधि से वापस प्रकट हुए तो हम सब सोचते कि अब वापस पुनः उनको जीवन दे रहे हैं, लेकिन ये तो हम सभी लोगों का ये अज्ञान है कि भ्रम है कि हम अभी वापस पुनः जीव मूर्ति के अंदर रहते हैं। सज्जनों, ये तो जीवित है, जीवित ही थे, वो तो अनंत है, सर्वत्र है। तो आप सभी को ये आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्होंने तो अपने इस आसन से उस आसन पर प्रवेश किया है, वहाँ विराजमान किया है। सज्जनों, ये जो जिस आसन पर बाबा विराजमान थे, कितने वर्षों तक पता नहीं मुझे तो, लेकिन यहाँ पूजा कितनी हुई? 56 वर्ष पता ही नहीं। अब सपना में देखा का सपना में देखा, ये कह रहा कि सपना में देखा, चलो भाई सपना में देखा। तो सपन भोग भी लगा दिया सपने में, अच्छी बात है। तो 56 वर्ष तक कितने यहाँ पूजा हुई होगी, देखिए। अब मैं क्या बताता हूँ कि आप भाग्यशाली है और अभी यहाँ थोड़ी पूजा होगी, आज मत करना, इसके बाद में भगवान के यहाँ से जो एक कण भी आप लेओगे, ले जाओगे और आपके घर के अंदर रखना, या एक आप ताबित्र करके अपने गले में या भुजबंद में आप रख सकते हैं। और इसके लिए हमारे महाराज जी कह रहे थे कि दिए बिना देव नहीं देवा, जन्म जन्म करो सेवा। तो इस मंदिर के लिए यहाँ आने वाले सभी भक्तों को, संतों को, साधु संतों को, गरीबों को, गौ माता को, दूसरे प्राणियों को भी कुछ देने के लिए यहाँ आप ले जाओगे, लेकिन कुछ न कुछ दान दे करके ले जाना महाराज जी। यू अंडरस्टैंड? यस। क्योंकि हम निजार नहीं से रहे हैं, हम कुछ लेकर के जाते हैं लेकिन हम दे करके जाएंगे। तो इसीलिए अभी इसको तोड़ फोड़ मत करना, ये यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो उनको दे करके आपको देंगे, और जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार क्या करना है, वितरित बांट देना है प्रसाद के रूप में, दान, भेंट, भेंट है, प्रसाद, प्रसाद नहीं है, भेंट है, जो भी है। तो इससे क्या होगा, आशीर्वाद कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके गांव में जहां भी होंगे आप, तो आपको रिद्धि सिद्धि सदा सदा बनी रहेगी। हमारा हिंदू धर्म आदि अनादि काल से चल रहा है। इस कलयुग के अंदर कई दूसरे धर्म पैदा हो गए, लेकिन आदि अनादि सनातन धर्म ही है, और वो हम सनातन धर्म लेकर के जा रहे हैं। दूसरे धर्म जो है वो अब क्या है कि उनकी आगे लाइफ है ही नहीं, उनके जीवित नहीं है, चाहे ईसा मसीह हो गए, उसके बाद किसी को नहीं मानते। अगर मुसलमानों के भी अल्लाह या जो मानते हैं, उसके बाद आगे कुछ नहीं है। अगर सिखों के हैं तो वो भी गुरु ग्रंथ के आगे फिर आगे नहीं है, लेकिन सनातन धर्म जीवित है, सनातन धर्म जीवित है। क्योंकि हमारे जो पहला तो ये है कि जो 24 अवतार हुआ है, और अवतार आगे होंगे, और दो प्रकार के अवतार होते हैं, नित्य
और निमित्त। तो निमित्त तो वो है, कभी समय समय पर आते हैं, भगवान राम है, विष्णु है, जो भी सब है, लेकिन नित्य अवतार जो है अति आवश्यक है, और वो नित्य अवतार के अनुसार ही हमारा सनातन धर्म जिंदा है। और वो कौन सा नित्य अवतार है? साधु संत, साधु गृहस्थी जो है उसको हम गुरु नहीं बना मान सकते हैं। गुरु मानते ऐसे ही टीचर जो स्कूल का है वो है, हमारे ब्राह्मण है वो हमारे इतना पूजा प्रार्थना करते हैं वो भी गुरु है, लेकिन उसके आगे सतगुरु जो होता है वो त्यागी होता है, वो सन्यासी होता है, वो ब्रह्मचारी होता है, वो शादी के बाद में फिर साधु बनता है, तो उसको हम अवतार नहीं मानते। तो हमारे देखिए कि हमारे यहाँ कानपुरी जी महाराज माँ मंडलेश्वर की गादी दे रहा हो, ये तो कह के नहीं बोलो, ये भी तो देखो देखो इसको भी इन्होंने वो क्या कहते नहीं दिया। तो क्या कि 50 सालों से बाहर रहता हूँ तो हिंदी के शब्द इधर उधर भूल जाता हूँ। तो हमारे कानपुरी जी महाराज का जब संन्यास दीक्षा हुई थी उसको हमारा जो है वो उस संन्यास दीक्षा के साथ जो है वो इनका जो वो हुआ है परमहंस। हंस तो बहुत है लेकिन परमहंस होता है, और उसका जो यज्ञ होता है वृदा, वो क्या कहते हैं वृदावन जो होता है, उस हवन के साथ ही साथ हमारे गुरु जो है उनको दीक्षा के साथ परमहंस की उपाधि देते हैं, इसलिए ये इसको कहते हैं परमहंस। क्या कहते हैं? परमहंस। तो हमारे स्वामी जी तो दिखते ही नहीं है, मैं तो बार बार हमारे मेरे तो भाई है मेरे खास है, कभी मैं के भी देता हूँ घर का, क्यों नहीं लगाते क्यों नहीं परमहंस लिखिए, तो आज महाराज जी आपके वहाँ परमहंस लिखेंगे क्या, कि श्री परमहंस श्री स्वामी कृष्ण कानपुरी जी महाराज क्या। एक हजार आठ परमहंस श्री स्वामी कानपुरी जी महाराज के कर कमलों से इनकी हर प्रकार की मेहनत करके हमारे बाबा को यहाँ ला करके यहाँ इस गादी से उस गादी पर विराजमान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे आचार्य हैं पंडित जी हैं जो भी हैं उनका कंठ उनका उच्चारण उनके मंत्र देख करके तो मैं तो बस मैं भी क्या कहते मंत्रमुख हो गया। तो ये जो है जुग जुग तक ये मंत्र जो है या वो चलता रहेगा, आवाज चलती रहेगी। तो सज्जनों हमारा हर सोमवार अभिषेक होगा, हर सोमवार को प्रत्यक्ष रुद्राभिषेक रुद्राभिषेक करते हैं भगवान शिव का, भगवान शिव का। तो दूसरे का भी कर दो, गणेश जी का, हाँ तो गणेश जी भी शिव जी ने बुधवार को गणेश जी की करते हैं विशेष पूजा। हाँ क्योंकि अब देखिए मैं तो एक ऐसा संदेश देने के लिए आया हूँ, अब आप सभी कान खोल के सुनना। देखो भी रामायण भी पढ़ा सुना है, गीता भी सुना है, कई वो क्या है हमारे क्या कहते हैं कथा कथा करते क्या श्रीमद् भागवत कथा है, वो कथा है होती है, तो हमारी राम कथा है, तो हमारे घट घट के अंदर हमारे गलियों गलियों के अंदर में हमारे भगवान है। लेकिन एक वो संदेश दे रहा हूं कि हम लोग जो है हिंदू है, क्या है लेकिन हमारे हिंदू के आगे धर्म नहीं है, सुन लेना भाई सभी। ईसाई धर्म है, बंद कर दो,
मुसलमान धर्म है, बुद्ध धर्म है, यहूदी धर्म है, पारसी धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म नहीं है। कहां पर? कहां पर? हमारे संविधान पर। हमारे संविधान के अंदर में हिंदू धर्म नहीं दिया है, दूसरा धर्म है। तो हमारे हिंदू देश को कहा है कि धर्म निरपेक्ष, यानी सभी धर्म का आदर करना चाहिए, सभी धर्म को साथ रखना चाहिए, ये वो है। लेकिन वो नहीं लिखा है कि जो ये मिशनरी जो है उसमें मिशनरी नहीं लिखा है, संविधान के अंदर मिशनरी नहीं लिखा है। लेकिन जो आपका धर्म है आप धर्म बढ़ा सकते हो, हम नहीं कह सकते। लेकिन हिंदू के अंदर में धर्म नहीं लिखा है, तो आपको क्या कहते हैं? संप्रदाय। संप्रदाय आपको क्या कहते हैं? संप्रदाय। तो वो क्या गुप्त रूप से क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये संप्रदाय ही तो हिंदुस्तान के अंदर अशांति और ये सब कर रहे हैं। उनके धर्म के अंदर धर्म नहीं है। हमारे मंदिर तोड़ रहा है तो कोई सरकार के पास जाएगा तो सरकार भी उसका ज्यादा मान नहीं करेगी। तो सज्जनों, आप सभी हिंदू हिंदू होकर के, ईसाई भी हमारे हिंदू हैं, मुसलमान जब जाते हैं हज करने के लिए तो वहाँ जाने से पहले एक फॉर्म भराते हैं और उस फॉर्म के अंदर लिखा जाता है वहाँ जाके कि आप कौन से मुसलमान हो, तो वो लिखते हैं हम हिंदू मुसलमान हैं। क्या है? हिंदू। हिंदू। तो उनकी भी परंपरा दूर से जो है वो हमारे सनातन की ही है, लेकिन है वो कर रहे हैं, अच्छा करो, अच्छा है। मुस्लिम धर्म भी बहुत अच्छा है, उसका मैं कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन है जड़ वहाँ से आई हुई है। तो अब आप केवल राजनीति के कारण आप अपने धर्म को तोड़ रहे हो, इसीलिए आपके धर्म नहीं है। खाली ये आप हिंदू हो, धर्म नहीं है आते हैं। और हमारा धर्म जो है हर प्रकार से इतना सभी देवी देवता करोड़ देवी देवता जो हमारे हैं, लेकिन वो सब एक है, एक को हम बहुश्यामी, एक से ही तो बहुत बने हैं और बहुत जो है वो एक ही है। तो आप अपने हिंदू धर्म को समझो और अपनी दुकान पर, अपने घर पर, आपके होटल पर, अब जहाँ भी लिखते हो तो वो तो लिख देते हैं उनके धर्म का, लेकिन हमारे हिंदुओं का नहीं लिखते हैं। तो आप भी लिखिए हिंदू धर्म, हिंदू धर्म लिखिए। आप तो हिंदू होटल भी नहीं लिखते हो, हिंदू बढ़िया यहाँ की आपके यहाँ के सुजानगढ़ के अंदर वो क्या कहते हैं नमकीन, क्या कहते हैं उसको, नमकीन ही कहते हैं, हाँ नमकीन होता ना, वो भी बहुत बढ़िया सुजानगढ़ का होता है, लेकिन वहाँ वो भुजिया ने कुजिया उसमें कोई दूसरा लिख देता है, लेकिन कोई हिंदू बजट स्टॉल नहीं लिखते। तो आप जहाँ भी घर पे दुकान पे आपकी जितना भी लिखे, आज बाबा के सामने हैं, आज हमारे श्याम बाबा के सामने हम संकल्प लेते हैं कि हम हमारी दुकानों पर हिंदी के अक्षर में लिखेंगे और हमारा हिंदू दुकान का नाम लिखना पड़ेगा। अगर ये करोगे तो मेरा भी आना सफल है। और आज ये मैंने संकल्प लिया है, भगवान के सामने संकल्प लिया है। और आप इसलिए ये आप आगे भी कहना, सभी को इसके बारे में बताना, नहीं तो सज्जनों आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। ये राम मंदिर क्यों नहीं बन रहा है?
राम मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि जितने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हैं, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, वो सब हम सनातन धर्म से हैं। अगर सभी ये मिल गए थे तो कभी से राम धर्म में राम मंदिर बन जाता था। मुसलमाना तो यस कर दिया था, लेकिन ने ऐसे पता नहीं कि पॉलिटिक्स के अंदर में ऐसा कर दिया कि वो डगमग करा दिया। पकी हुई खीर गिर गई किस में? सुजानगढ़ की रेती बहुत बढ़िया होती है, उसमें बात चली गई। तो आप अपना धर्म धर्म लिखो। तो सभी को कहना, सज्जनों एक बनना है, किसी धर्म की क्रिटिसाइज नहीं करनी है। मुसलमानों का धर्म बहुत अच्छा है, उनके हृदय में दुख है कि हिंदू हमारे के ऊपर बदला लेना या अलग अलग करते। नहीं, मुसलमानों से वो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, ईसाई भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारा धर्म जो है हम उसको लेकर के चलेंगे, यही हमारा आज संकल्प है। तो हो सकता है कि हमारे भगवान राम का मंदिर बन जाएगा और भी सब बन जाएगा। सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, अब आप यहाँ से भगवान से दर्शन करके फिर जाना। मैंने आपका ज़्यादा समय ले लिया। भाइयों माइयों, ऐसा करो, मैं बताता हूँ। एक सुनो, मेरी बात सुनो, कि परीक्षा ले रहा हूँ। क्या हो रहा है? परीक्षा। मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ कि जिसने दर्शन कर लिया वो उठ के धीरे धीरे जाओ, और जिसने नहीं किया वो दूसरी लाइन बना करके दर्शन कर लो, तब तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर खिचड़ी हो जाएगी। श्याम भगवान की, श्यामर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान वीर की, सतगुरुदेव की। इन्होंने इतना सुंदर सभी दर्शन कर रहे हैं और दिव्य आयोजन अनुष्ठान किया, इसके लिए स्वामी जी प्रस्थान कर रहे हैं। आप बाबा श्याम के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। ये वो मंदिर है जो 56 साल पहले सुजानगढ़ के भोजलाई पास में बना था, जहाँ पर जोशी परिवार के द्वारा बाबा श्याम की मूर्ति की स्थापना की गई थी। अब मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और बाबा श्याम नए स्वरूप में विराजमान हुए हैं। जैसा स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज कह रहे थे कि बाबा ने अपनी जगह बदली है, पहले सामने विराजमान थे, अब नए स्थान पर विराजमान हो गए। बाबा वही है, बाबा का स्वरूप, बाबा का स्थान बदला गया है। और बहुत ही सुंदर दिव्य मूर्ति आप देख रहे हैं स्थापित की गई है जोशी परिवार के द्वारा। और सभी श्याम भक्तों को हम बधाई देते हैं इस अवसर पर, क्योंकि बाबा का 1-1.5 महीने के बाद में फागुन महोत्सव भी आने वाला है, और इस अवसर पर भी पुनः हम बाबा के दरबार में खूब उत्सव मनाएंगे। आज बाबा श्याम ने बैलगाड़ी में विराजमान होकर पूरे नगर का भ्रमण किया और यहाँ पर हवन और विद्वत पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ बाबा की मूर्ति की यहाँ पर स्थापना की गई। स्वामी महेश्वरानंद जी जोशी परिवार के निवास स्थान पर पहुँचे हैं। जोशी परिवार का सौभाग्य है कि स्वामी जी उनके निवास स्थान पर पहुँचे आज। आगे मत दौड़, पहले मारे। स्वामी जी जोशी निवास पर प्रसाद ले रहे हैं। वहाँ नीचे आप बोल के आ जाना, तो आओगे राइट हैंड में। सभी प्रसाद ले रहे हैं बाबा का। धर्मनगरी सुजानगढ़ का परम सौभाग्य है कि यहाँ पर प्राचीन श्याम मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद में आज मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह में वो संत आए जिन्होंने भारतीय सनातन संस्कृति और धर्म को पूरी दुनिया में पहुँचाए हैं योग और धर्म के माध्यम से। और आज उनके
पवन सानिध्य में यहाँ पर मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह, और अब हम इस समय महाराज श्री पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में उनसे बातचीत करूँगा। पूज्य श्री, सबसे पहले हम सब स्वस्थ नमन करते हैं। कितना महत्वपूर्ण है इस तरह से मंदिरों का जीर्णोद्धार, इस तरह से मूर्तियों प्रतिष्ठा सनातन संस्कृति में? ऐसा है कि जैसे जब ये हमारा शरीर जो है, ये पांच तत्व का जब जीर्णोद्धार हो जाता है, जीर्ण हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि हमें नया जीवन मिले, नया शरीर मिले। उसी प्रकार जो आत्मा तो वैसा का वैसा है, आत्मा न वृद्ध होता है और न कभी मरता है, लेकिन शरीर जो है तो उसमें उस जीव को वापस नया शरीर मिलने के लिए भगवान उस शरीर को ले लेते हैं। उसी प्रकार जो हमारे बहुत प्राचीन समय से जो कि मकान उसी प्रकार बना होगा, तो वो गिर रहा है, तो उसको हम वापस नया बनाएं, तो नया जैसे मंदिर है, तो मंदिर के अंदर जब तक पूजा नहीं होती है, जब तक उनका जनाजा वापस करते हैं, तो वो जीवन वापस आ जाता है। उसी प्रकार ये भी हमारी संस्कृति में है कि मंदिर के अंदर भगवान के मंदिर को हम अच्छा वापस सिंहासन वहाँ रखें, आसन रखें। तो उसी प्रकार ये बहुत अच्छा किया आपने, और केवल एक ही है कि शंकर भगवान को कोई नहीं उठाता। चले, शंकर का तो कहीं भी जैसे है वो तो वही वैसा रहता है। तो आज का जो ये अच्छा फंक्शन रखा आपने, बहुत हमारे सुजानगढ़ के पूरे मोहल्ले को वापस देखने को हमें मिला, क्योंकि मैं तो कई बार यहाँ आया हूँ, सुजानगढ़ में कई बार आया हूँ। तो यहाँ हमारे गुरु जी के बहुत भक्त लोग ही हुए, काफ़ी को तो समय भी नहीं मिला था, और कुछ तो वृद्ध हो गए, कुछ बाहर चले गए, तो यहाँ आकर के देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज जी, जब मंदिर की बात चलती है तो हिंदू सनातन संस्कृति के सबसे महान पवित्र स्थल जो कि अयोध्या में देखते हैं भगवान राम का, और हर भक्त की एक ही कामना रहती है कि उस मंदिर का जीर्णोद्धार हो, उस वहाँ पर भव्य मंदिर बने, भगवान वहाँ पर विराजमान हो। और आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से इतना क्यों लटकाया जा रहा है? हर बार भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के नाम पर वोट मांग लेती है और सरकार बनती है तो कुछ नहीं होता। संतों का इसमें क्या महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए ताकि वो कार्य शीघ्र हो और धर्म प्रेमी सज्जनों की जो भावना है वो जिंदा हो जाए? ऐसा है कि मैं तो राजनीति में नहीं हूँ जी, नहीं, और न मैं तो बाहर रहता हूँ जी, लेकिन भाजपा जो है बहुत प्रयास कर रहे हैं, उनके ऊपर आप कोई अब्जेक्ट मत लगाओ। वो कोशिश कर रहे हैं, वो चाहते हैं, लेकिन हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है जी, वहाँ से पता नहीं क्यों वो करा रहे हैं, क्या क्या कारण है, तो उस हमारे संविधान के विरुद्ध में भाजपा नहीं जाना चाहता है। कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, यानी जितना वो कोशिश कर रहे हैं जितना कोई नहीं कर रहा है जी। लेकिन हमारे हिंदुओं के अंदर में एक कमजोरी हो गई कि वो क्या कहते हैं कि कैसा कुर्सी का जी, हर एक कोई नेता बनना चाहता है, कोई न कोई MLA बनना चाहता है, कोई कुछ न कुछ करना चाहता है या नौकरी लेना चाहता है, तो वो हमारे धर्म को छोड़ करके दूसरी तरफ जाते हैं। अच्छा, दूसरा है धर्म, हमारी जो दूसरी सरकार होगी वो भी शायद कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं या प्रकाश वो करने के लिए दे आर ट्राइंग टू गेट हिंदू धर्म और वो हमारा राम मंदिर, बट दे आर ऑल्सो नॉट सो कैपेबल बिकॉज देर आर डिफरेंट पीपल्स, और दूसरे जो है वो विरोध में हो जाते हैं।
और हमारे हिंदू धर्म में यह एक भावना है. वी आर वेरी हम्बल पीपल, वी आर वेरी केयरफुल पीपल, वी लव एवरीवन, वी डोंट डू टू डिस्ट्रॉय एनीबॉडी. अगर इसी जगह कोई दूसरा का होता तो उसमें आग ही जला देते. सही बात है. तो हम ये नहीं करना चाहते हैं, हम प्रेम से करना चाहते हैं. लेकिन हमारा घर है, आपके जब भी यहाँ कोई केस करता है कि मेरी ज़मीन है या वो मेरा मकान है और उनका है, तो आप जाते हो, वकील आते हैं और वो कहते हैं कि भाई तुम्हारी ज़मीन है, इनको वापस देते हो. तो उसी प्रकार भगवान राम करीब 2 लाख बरस पुराने थे, उस समय का है. और उस समय कोई दूसरा धर्म था ही नहीं, बिल्कुल. और जो हमारा वाल्मीकि रामायण, भगवान राम के समय से पहले से संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है. लेकिन हम वो और जितने हमारे मुसलमान भाई हैं वो भी हमारे हिंदू धर्म से निकले हैं, हमारे ऋषियों की संतान हैं वो भी. और वो नहीं चाहते हैं कि ये झगड़ा हो, ये हो, वो हो, लेकिन हम लोग ही करा रहे हैं, आपस में हम ही करा रहे हैं. राजी, अगर हिंदू हिंदू सब बन जाए एक साथ तो शांति हो जाएगी और रामायण, भगवान राम की वह मंदिर है, वो मंदिर बन सकता है. राजी, संत महात्माओं के नए कार्यक्रम महाकुंभ के दौरान होने वाले हैं, जिसमें मुख्य मुद्दा राम मंदिर का माना जा रहा है, तो आपको क्या लगता है उसमें संत क्या निर्णय लेने वाले हैं? संतों तो निर्णय कई बार लिया है और एक बार इतना कड़क लिया था जो कि दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पर भी बंदूकें चली, हमारे कितने साधुओं को मार दिया वहाँ से सामने. तो वही हाल हो सकता है अभी भी. वो बल्कि साहब कुछ भी कहो, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा तभी कोई नहीं करेगा. और या फिर सब हिंदू मिट करके जा करके सुप्रीम कोर्ट में जा करके बिगेरा लाग दो कि आपको क्या तकलीफ है हमारे मंदिर को लेने के लिए. जाओ सभी, पूरा का पूरा इमीडिएटली विल बी. ये कार्य संत महात्मा नहीं कर सकते. नहीं, संत महात्मा ऐसा नहीं करते. आप लोग करोगे, जनता करेगी, ये बात है. महाराज, मुख्य सवाल जिसको मिशन को आप लेकर पूरी दुनिया में चलते हैं, योग जिसको अब तो पूरी दुनिया में यानी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है, कितना गर्व होता है जब योग को इस तरह से सरकारी मान्यता प्राप्त होती है, पूरी दुनिया ने इसको स्वीकार किया है, क्योंकि आपने बहुत बड़ी जागृति पूरी दुनिया में योग की फैलाई है. हाँ, ये मेरे को 50 वर्ष हो गए. मैंने लाखों लाखों लोगों को योग पथ पर बुलाया है जी. और उनको सबको शाकाहारी बनाया है और सभी मेडिटेशन भी करते हैं, पूजा भी कराते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, सब कुछ करते हैं. प्रेम से हो रहा है, कोई किसी को दबाव नहीं दिया है. बिल्कुल. और न उस धर्म से न उस धर्म से. हमारा हमें अंग्रेजी में कहते हैं कि वी जो है वे हेल्प यू, वी हेल्प यू, ये बात है. नमन महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत हुई, आपका आशीर्वाद प्राप्त. स्वामी मरेश्वरानंद पुरी जी महाराज से हमने एक खास बातचीत की, जिन्होंने निश्चित रूप से जैसा भी कह रहे हैं कि केवल योग नहीं, बहुत सारे लाखों लोगों को इन्होंने साकारी बनाया है, लोगों के विचारों को बदला है, लोगों की जो संस्कृति है, क्योंकि हमारी हिंदू सनातन संस्कृति वो संस्कृति जिसको पूरी दुनिया अपना रहा है, और इस तरह की संस्कृति में अगर विदेशी लोग प्रवेश कर रहे हैं, उसको अपना रहे, तो इसमें स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज जैसे संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है. लगभग 150 से ज़्यादा देशों में आपके आश्रम हैं, लाखों आपके अनुयायी हैं, और जहाँ भी महाराज जी जाते हैं उनके साथ हज़ारों सैकड़ों की संख्या में भक्त जाते हैं. और अभी महेश्वरानंद जी महाराज महाकुंभ में भी उनका अखाड़ा लगा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में विदेशी लोग वहाँ पर महाराज श्री के साथ शाही स्नान में जाते हैं, क्योंकि पिछला शाही स्नान कवरेज करने का मुझे महाराज श्री के साथ मौका मिला था, और वो दृश्य निश्चित रूप से एक दुर्लभ दृश्य था, जब लाखों हज़ारों लोग वहाँ पर महाराज जी के साथ शाही स्नान करने के लिए पहुँचे थे, और जुलूस का नज़ारा देखते ही बन रहा था. ये चित्र आप देख रहे हैं, ये ओम की आकृति का ये एक बहुत बड़ा आश्रम है,
जाडन में, पाली जिले में जाडन, जहाँ पर मुख्य महाराज जी का प्रमुख स्थान है, जहाँ पर परम पूज्य महेश्वरानंद पुरी जी महाराज विराजते हैं। महाराज जी थोड़ा सा इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। ये बहुत बड़ा एक ओम आश्रम बना हुआ बन रहा है जी, जो कि करीब 108 बड़े बड़े यूनिट हैं इसके अंदर में जी, और बहुत बड़ा एक स्तंभ है जो एक बिंदु लगता है जी, और एक पानी की झील है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है, और उस गर्भगृह के अंदर में 1008 शिव जी की अलग अलग मुद्राओं में मूर्ति हैं, शिव जी का नाम है 1008। तो ये बहुत बड़ा राजस्थान में बना हुआ है और आप लोग आए, इसका कार्य पूर्ण हो चुका महाराज जी? जब मैं गया था उस समय कार्य प्रगति पे था। ये तो ऐसा है कि एक बार जो लगती है ना वो टकी टाकी, तो टाकी चलती रहती है। मैं आप भक्तों से निवेदन करूंगा कि एक बार आप जाडन जरूर आएं और इस आश्रम को देखें, महाराज जी के दर्शन करें। सभी परम पूज्य महेश्वरानंदपुर जी महाराज का आशीर्वाद ले रहे हैं जोशी परिवार और तमाम इष्ट मित्र। बहुत बड़ा सौभाग्य है जोशी परिवार का कि मंदिर जीर्णोद्धार और पांचसा समारोह में परम पूज्य महेश्वरानंदपुर जी महाराज पधारें और सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ से प्रस्थान करने से पहले परम पूज्य महेश्वरानंदपुर जी महाराज का शॉल उड़ाकर सम्मान कर रहे हैं पवन जी जोशी और संजय। सभी पूज्य महाराज श्री का सम्मान कर रहे हैं शॉल उड़ाकर।